तो पुलिस अब ये उम्मीद लगाकर बैठी कि जो नाको टेस्ट होगा, क्योंकि सवाल लंबे लिस्ट बना ली गई है, सवाल वो रखे जाएंगे आफ्ताब से, जिसके बाद पुलिस मान रही है कि बहुत सारे अहम खुलासे होंगे, जिस पर सहमति भी आफ्ताब ने जता दी है। लेकिन अब आपको बताते हैं, स्पेशल टीम जो सवाल करेगी वो सवाल कौन से होंगे, श्रद्धा से कैसे मुलाकात हुई थी आफ्ताब की, क्या श्रद्धा के घर उसका आना जाना था लिव इन रिलेशनशिप से पहले की बात, वो शुरू से शुरुआती तरीके से श्रद्धा से रिश्ते कैसे थे, कब से श्रद्धा के साथ वो लिव इन में है, तुम्हारे और श्रद्धा के घर वाले क्या इस रिलेशन से खुश थे, श्रद्धा से कब कब मारपीट हुई, दिल्ली में श्रद्धा के साथ कहां कहां रहे, किन किन जगहों पर, श्रद्धा की हत्या कब कहां कैसे की, 18 मई को क्या क्या हुआ वो विस्तार से समझेंगे, श्रद्धा की हत्या के लिए कौन क्या क्या हथियार इस्तेमाल किए वो भी, क्या हत्या के बाद लाश के टुकड़े किए गए, हत्या के लिए कहां से हथियार खरीदे गए, ये सारे सवाल एक बार फिर से होंगे जब नाको टेस्ट में आफ्ताब जाएगा, श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को कहां कहां फेंका, वारदात में इस्तेमाल हथियार को कहां फेंका, क्या कत्ल में कोई और भी उसके साथ शामिल था, दिल्ली से बाहर भी सबूत ठिकाने लगाए थे क्या, हत्या के वक्त पहने कपड़े कहां है, क्या दूसरी लड़कियों को फ्लैट पर वो लाया था डेटिंग ऐप के जरिए, श्रद्धा की हत्या की बात क्या किसी से उसने कही थी, हत्या की साजिश कब रची थी, ये सारे सवाल स्पेशल टीम नार्को टेस्ट के दरमियान आफ्ताब से पूछेंगे। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं, क्योंकि हिमांशु आज नार्को टेस्ट होना है, कई चीजें अभी वो हथियार बरामद करना जरूरी है, अभी सिर बरामद करना जरूरी है, इससे बहुत हद तक मदद पुलिस को मिल सकती है, इसी उम्मीद में ये नार्को टेस्ट हो भी रहा है, लेकिन दूसरी लड़कियों को लेकर भी क्या उनसे ये जिक्र हुआ या दूसरी लड़कियां फ्लैट में आती थी, ये सारे सवाल दागे जाएंगे। बिल्कुल दागे जाएंगे, क्योंकि देखिए पुलिस की कोशिश है कि 18 मई के बाद ही नहीं, 18 मई से पहले से उसकी क्या गतिविधियां थी वो सारी चीजें समझा जाए, जब से वो श्रद्धा से मिला और श्रद्धा के कत्ल तक का उसके पूरे रिलेशन कैसे रहे हैं, कितनी बार मारपीट हुई, कैसे रिलेशन रहे हैं, वो सारी चीजें समझने की कोशिश पुलिस नार्को टेस्ट के जरिए करेगी। और उसके बाद जब 18 को उसने कत्ल किया तो किस तरीके से उसने इन चीजों बॉडी को और हथियार को कपड़ों को डिस्पोज ऑफ किया। अब आप देखिए अभी तक पुलिस को क्या मिला है, अभी तक पुलिस को अर्पिता मिला है एक कन्फेशनल स्टेटमेंट, उस कन्फेशनल स्टेटमेंट के अलावा उससे जुड़ते हुए कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, जिससे उसका झूठ पकड़ा गया, जो मौजूद की 22 तारीख को उसने सबसे पहले बोला था कि गई थी यहां से, 22 मई को चली गई थी, तो उसके बाद जो उसका झूठ आया था कि कैसे श्रद्धा का मोबाइल इस्तेमाल किया गया था उसी इलाके में, तो ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, इसके दोस्तों से बातचीत, ये सारी चीजें पुलिस के पास हैं। अब पुलिस को उसके बाद जब कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद पुलिस ने हड्डियां बरामद की, उन हड्डियों को अभी पुलिस जांच कराएगी और अभी जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन उस हड्डियों को भी एक कंप्लीट बॉडी अभी नहीं पुलिस तलाश पाई है, जो महत्वपूर्ण पार्ट था सिर वो नहीं मिला है, हथियार नहीं मिला है, मोबाइल नहीं मिला है, तो जो मिला नहीं है उसकी तलाश में पुलिस लगातार लगी हुई है, पूछताछ कर रही है, इसके लोकेशन पिछले 6 महीने के चेक कर रही है, और जो जवाब अब तक उसने नहीं दिए हैं, पुलिस को उम्मीद है कि नार्को के जरिए जब वो जवाब मिलेंगे तो आगे इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस इस पूरी जांच को पुख्ता बना पाएगी। अर्पिता, तो अब नार्को टेस्ट होना है और सच जो है वो सामने आ जाएगा। जरा ये बताइए मांशु, कितनी देर में ये टेस्ट हो सकता है, और 50 सवालों की लिस्ट जो है वो तैयार किए गए हैं, उनमें प्रमुख सवाल कौन कौन से हैं? देखिए सबसे ज्यादा जो प्रमुख सवाल हैं वो श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, श्रद्धा के साथ रिलेशन कैसे था, कितनी मारपीट कब की, इसके बाद 18 तारीख को क्या हुआ था, क्यों ऐसा सीन बना, क्या तुमने इसकी साजिश पहले रच ली थी और साजिश रच के ही तुम यहाँ मेहरौली के पहाड़ियों में किराए पे रहने आए थे, और दूसरी चीज कि जब तुमने कत्ल किया उसके बाद बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ किया, और जब तुमने कत्ल किया बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया तो क्या तुम्हारे अलावा कोई और शख्स है, तुम्हारे परिवार या दोस्त या जानकार कहीं भी, जिसको तुमने इस बारे में पहले बताया हो, जिसको इस सारी वारदात की जानकारी हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो डिस्पोज आप तुमने किया तो बॉडी को कितने अलग अलग हिस्सों में किया था, उनको कहां कहां डिस्पोज ऑफ किया, और जिस हथियार से तुमने डिस्पोज ऑफ किया वो हथियार कहां पे फेंका है, और श्रद्धा का मोबाइल जो है वो कहां पर है,
तो ये जो मेन चीजें हैं ताकि केस से मदद मिल सके। दरअसल पुलिस इस केस से ज्यादा मतलब रख रही है और केस से जुड़े सवाल ही जो इन्वेस्टिगेशन में उन्हें मदद कर सकते हैं उन्हीं से जुड़े सवाल पुलिस ज्यादा इसके आफ्ताब के सामने रखेगी।